लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब से। रफीक साहब, एक एक करके कई लोग चले गए हैं, जैन चौधरी भी आपका साथ छोड़कर चले गए। देखिए, ये तो खैर उनकी अपनी मर्जी है कि इसको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी ने बहुत दिया है जैन को, इतना बड़ा सम्मान दिया है, इतनी बड़ी पार्टी बनाकर दी है उनको। 2017 में 1 MLA आया था, वो भी बीजेपी में शामिल हो गया था, और 2022 में 9 MLA जीते उनके, और राज्यसभा दी समाजवादी पार्टी ने, और इनका तमाम जाट मुस्लिम जुड़ रहा था इनसे। मेरे नहीं समझ में आती क्यों चले गए वहां पर, कोई ना कोई तो दबाव रहा होगा बीजेपी का इनके ऊपर। और समाजवादी पार्टी की कोई कोताही नहीं बता रहे वो कि समाजवादी पार्टी की ये गलती है ये वो है, तो समाजवादी पार्टी ने तो जो भी आए हैं हमेशा समाजवादी पार्टी ने सबको दिया है, सबका सम्मान किया है, और उनकी जाति का उनकी बिरादरी का सब लोगों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, सबको सम्मान करती है, और हम तो अच्छा समझते हैं कि उनका भविष्य हो सकता है उसमें अच्छा हो। लेकिन ऐसी क्या वजह रही होगी, मतलब अगर राजनीति की बात करें, क्या दूर की राजनीति देखी उन्होंने, लगा कि भाई आपसे ज्यादा नुकसान आने वाले टाइम में होगा, बीजेपी से फायदा होगा? अरे हमने तो देखी जो अखबारों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, वो दो सांसद दे रहे हैं, दो सीट दे रहे हैं, हम साथ दे रहे थे, तो फायदा हमारे साथ रहने में उनके साथ रहने में, वहां तो रिल जाएंगे। जब दरिया समुद्र से मिलता तो फिर दरिया नहीं रहता, तो फिर मिल जाता है। यहाँ तो दरिया थे, वो दरिया छोटा से हो या ज्यादा हो, दरिया थे, अपनी जगह खड़े थे अपने पाले पे, तो हम तो दरिया ही नहीं रहे, वो तो समुद्र में मिल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, जिसको मिला लेती है उसको खत्म कर देती है। आज तक देखिए एक भी अलायंस उसके सब खत्म हो गए, सबको पहले अलायंस को खत्म करती है वो, तो उन्होंने तो पॉलिसी के तहत इसको मिलाया और इसको खत्म कर देंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, फायदा ज्यादा होगा या नुकसान ज्यादा होगा जैन चौधरी? जैन चौधरी से हमारा कोई फायदा नहीं होगा ना कोई नुकसान होगा हमारा। समाजवादी पार्टी अपने कंधों पे बहुत मजबूत है और सब धर्मों का सब जातियों का सम्मान करती है। आज भी समाजवादी पार्टी अपने कंधों पे लड़ेगी, पहले भी अपने कंधों पे लड़ती। आपने सोचा था कि जैन चौधरी ऐसे चले जाएंगे जब लोकसभा चुनाव इतना नजदीक होगा? देखिए हमारे से समाजवादी पार्टी से जैन चौधरी को फायदा हो रहा था, उससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा था। हमारे पास तो जो वोट आज भी है कल भी था, हमारा वोट थोड़ी चला गया उनके पास, वो तो अपना ही खुद नुकसान कर दिया। यहाँ 7 MP मिल लेते हैं, वहां 2 MP मिल रहे हैं उसको, या खुद राज्यसभा हमने दी है, वो क्या वो तो राज्यसभा भी नहीं दे रहे उनको। अब जो घोषणा की है बताओ कौन राज्यसभा दी उन्होंने? तो जितना समाजवादी पार्टी ने सम्मान उनका किया है, कोई पार्टी उनका इतना सम्मान नहीं कर सकती, और उन्होंने अपनी जाति को अपनी बिरादरी को भी धोखा दिया है जिस पर वो राजनीति कर रहे थे और इतनी बड़ी ताकत में उभरे थे वो, और आने वाले समय उनका भविष्य था समाज अपने लोकदल में राष्ट्रीय लोकदल में अकेले रहकर कुछ नहीं कर पाते, तो वो रिल गया उनमें, खत्म हो जाएंगे वो। अच्छा जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाके जैन चौधरी को ज्यादा फायदा होगा, आपको क्या लगता है वाकई बड़ा फायदा होगा? अब देखो आपको पता लग जाएगा, 2 सीटें दिए कहाँ फायदा होगा, यहाँ 7 पे लड़ते वहां 2 पे लड़ रहे हैं, तो वहां फायदा कहाँ होगा, वहां तो नुकसान ही हो गया। तो कोई दबाव था क्या? अब ये तो खैर जैन चौधरी बता सकते हैं, और जितने भी अलायंस हैं सब जगह पार्टी तोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में तोड़ दी, बिहार में तोड़ दी, मध्य प्रदेश में तोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तोड़ रहे हैं, तो ये तो सरकार की दमनगिरी है जो सब छोटी छोटी पार्टियों को बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं लोकसभा से पहले। अच्छा रफीक साहब एक चीज और बताइए, जैसे RLD के तमाम नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना था कि भाई हमें 7 सीटें तो दे रहे थे, लेकिन 4 सीटों पर कह रहे थे सिंबल तुम्हारा प्रत्याशी हमारा, तो बोले भाई हमारी पार्टी में उनका इतना हस्तक्षेप हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये तो जैन चौधरी कहाँ कह रहे हैं, उनके नेता तो कह रहे हैं, उनके नेता को तो पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कुछ भी कहा, ये बात जैन चौधरी कहे तो समझ में आ, उन्हें कुछ पता ही नहीं कहाँ समझौता कैसे हुआ। तो अगर ये कहते तो ये आरोप लगा के जाओ ना जैन चौधरी, क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं बोल रहे? जितना जैन चौधरी का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया है कोई पार्टी उनका नहीं कर सकती। जितनी ज्यादा सीटें यहाँ दे रहे थे उन्हें कोई नहीं दे सकता इससे ज्यादा सीटें। आप देखिए 9 MLA उनके, वो भी समाजवादी पार्टी के बल पर जीते, 9 के 9 जीते, और आप समझिए 7 MP दे रहे हैं, कितना बड़ा फायदा हो रहा, जिनके 9 MLA हो 7 MP दे रहे हैं उन्हें, और इससे ज्यादा क्या मिलेगा? बीजेपी क्या दे रही है उन्हें? 2, और 2 भी पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि मुस्लिमों को साथ रखना कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती नहीं होगा? नहीं, मुसलमान क्यों जाएंगे भाई साथ, मुसलमान से क्या मतलब, मुसलमानों ने नाता तोड़ के गए वो, मुसलमानों ने तो धोखा दिया इन्होंने, मुसलमानों के बल पर 9 MLA की सीटें जीते हैं, अब 1 भी जीत के दिखा दिए खुद भी नहीं जीत पाएंगे,
खुद भी नहीं जीत पाएंगे, दूसरों की तो बात छोड़िए, इतना गुस्से में है मुस्लिम समाज। हाँ, मुसलमानों को भाई 9 MLA बना दिए, भरोसा किया और इतना भरोसा किया कि जैन चौधरी के साथ तमाम जाट और मुसलमान जुड़ रहा था, जो पहले से एक रिवायत रही है हिंदू आजादी के बाद से एक रिवायत रही है, चौधरी चरण सिंह के साथ, अजीत सिंह के साथ तमाम जाट और मुस्लिम का एक गठजोड़ था, वो तोड़ के गए, दोनों का दिल दुखा के गए, तो ये माफ नहीं करेंगे जनता, जनता चुनाव में जवाब देगी इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए समाजवादी के समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब सीधा कह रहे हैं कि जैन चौधरी ने गलत किया है, वो धोखा देकर गए हैं और जनता इसका जो हिसाब है वो लोकसभा चुनाव में करेगी। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा था क्योंकि उनके 9 MLA गठबंधन में जीते थे। सनुज शर्मा, ABP News, मेरठ।